हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमेश राजोरिया और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए डायपोल के सेंटर से पास होने वाली डायपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसे हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। तो मान लेते हैं कि डायपोल के सेंटर से कुछ आर डिस्टेंस के ऊपर ये कोई पॉइंट है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने वाली जो टर्म होती है उसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है पी इक्वल्स टू क्यू इन टू टू ए और ये एक वेक्टर क्वांटिटी मानी जाती है। इसकी डायरेक्शन होती है हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी और साथ में इसका मैग्नीट्यूड होगा क्यू इन टू टू ए। यहाँ पर टू ए का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, तो सेंटर से किसी भी एक चार्ज की डिस्टेंस को सिंपली हम ए लिख सकते हैं। ओके, तो सेंटर से आर डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारा प्रोसीजर ये रहेगा कि हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और फिर उन इलेक्ट्रिक फील्ड्स का हम वेक्टर एडिशन कर लेंगे। इससे हमारे पास इस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा जो ये इलेक्ट्रिक डायपोल प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों चार्जेस की इस पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं और इसके लिए हम सिंपल ज्योमेट्री यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि ये वाली डिस्टेंस है ए और ये वाली डिस्टेंस है आर, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये वाली डिस्टेंस होगी हाइपोटेनियस और इसको लिखा जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसी तरीके से ये जो दूसरा ट्राइंगल है इसमें ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस ए है, तो ये जो हाइपोटेनियस होगा इस राइट एंगल ट्राइंगल में वो होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सिंपली आप देख सकते हो कि दोनों चार्जेस की इस पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल आ रही है, साथ ही इन दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी इक्वल होगा, बस इनका नेचर एक दूसरे के अपोजिट होता है। अब किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से उससे आर डिस्टेंस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहें तो उसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्यू उस चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और आर उस पॉइंट की चार्ज से डिस्टेंस होती है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और ये दोनों डिस्टेंसेज भी सेम है, इसलिए इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पॉइंट के ऊपर वो मैग्नीट्यूड में इक्वल आएगा और उसको सिंपली लिखा जा सकता है ई प्लस क्यू इक्वल्स टू ई माइनस क्यू इक्वल्स टू के क्यू बाई इस डिस्टेंस का स्क्वायर जो कि होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जब स्क्वायर करेंगे डिस्टेंस का तो अंडर रूट हट जाएगा। तो ये आ गया इन दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट के ऊपर होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम रहेगा। अब इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो नेगेटिव चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज की तरफ होता है, तो इस पॉइंट पे इनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और इसको लिखा जाएगा ई माइनस क्यू। और जो पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होता है, तो जो पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में और इसको लिखा जाएगा ई प्लस क्यू। ओके, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमको मिल चुकी है। अब आपको इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को वेक्टरली ऐड करना है ताकि हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक डायपोल प्रोड्यूस करेगा उसको कैलकुलेट कर पाए। तो इसके लिए हम कंपोनेंट मेथड यूज़ करेंगे। इसमें हम इन दोनों वैक्टर्स के कंपोनेंट्स कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ और इस एंगल को मैं मान लेता हूँ थीटा, तो यहाँ पे ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है ये एक जैसा ही है। इसका मतलब अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा ही बनेगा, और ये एंगल थीटा है तो देखो ये जो अल्टरनेट एंगल्स होंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये सेम होंगे, तो ये एंगल थीटा रहेगा। अगेन ये वाला जो एंगल है वो यहाँ पे थीटा है, तो ये जो जेड बन रहा है यहाँ पे ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा और इसके वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल भी थीटा के इक्वली आएगा। अब हम इन वेक्टर्स के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स कर लेते हैं। तो किसी भी वेक्टर के जब कंपोनेंट्स किए जाते हैं तो उसका थीटा से जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट है वो हमेशा कॉस होता है, यानी ये होगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और इस वेक्टर का जो दूसरा कंपोनेंट है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा उसको लिखा जा सकता है ई प्लस क्यू साइन थीटा। इसी तरीके से आप इस ई माइनस क्यू के कंपोनेंट कर लीजिए, यहाँ पर थीटा से जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट है वो आएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और दूसरा जो कंपोनेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड वो होगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। अब क्योंकि यहाँ पे ये जो ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू है यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, इसलिए
यहाँ पे जो e प्लस क्यू साइन थीटा और e माइनस क्यू साइन थीटा है, ये दोनों कंपोनेंट भी मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में होने से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस पॉइंट पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इन दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उनका सिर्फ कॉस कंपोनेंट ऐड होगा। इसलिए सिंपली हम लिख सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा e प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस e माइनस क्यू कॉस थीटा। अब क्योंकि e प्लस क्यू कॉस थीटा और e माइनस क्यू कॉस थीटा भी इक्वल है, इसलिए आप इसको सिंपली लिख सकते हो 2 इंटू ई प्लस क्यू कॉस थीटा। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ अगर हम पुट करें तो 2 इंटू ई प्लस क्यू यहाँ से लिखा जा सकता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जो कॉस थीटा है वो आप इस डायग्राम से देख सकते हो, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस यहाँ पे ए है और हाइपोटेनियस है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हम लिख पाएंगे E इक्वल्स टू, अब यहाँ पे Q इंटू टू ए, इसको हम P लिख सकते हैं यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो इसको लिखा जा सकता है के पी अपॉन, और ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, क्योंकि इसकी पावर यहाँ पे 1 है, इसकी पावर अंडर रूट का मतलब है पावर 1/2, तो टोटल मिला के हो गया पावर 3/2। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए माना जाता है कि जो डिस्टेंस होती है पॉइंट की उसके कंपैरिजन में, यानी आर के कंपैरिजन में, ये जो टोटल डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच में ये काफ़ी कम होती है। मतलब यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a, देन वी कैन राइट ई इक्वल्स टू, यहाँ पे a की वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत छोटी होगी, इसलिए ए स्क्वायर को आप आर स्क्वायर के कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर सकते हो। तो सिंपली इसको लिखा जा सकता है ई इक्वल्स टू के पी अपॉन आर स्क्वायर पावर 3/2, यानी आर क्यू बन जाएगा ये। तो ये हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर r डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। अब अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो आप देख सकते हो कि इन दोनों कंपोनेंट्स को जब आप ऐड करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्हीं की डायरेक्शन में आएगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर, जबकि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हमको लिखना होगा ई इक्वल्स टू माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। यहाँ पे माइनस सिंबल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मानी जाएगी। और साथ ही आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए हम याद रखेंगे कि इसके इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो गाइज आपने देखा कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है के पी अपॉन आर क्यूब, जो कि एक्सियल लाइन के ऊपर किसी पॉइंट की कंपैरिजन में हाफ होता है। अगर हम एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट लेते हैं डायपोल के लिए तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2kp अपॉन आर क्यूब, जबकि इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट उससे हाफ आ रहा है, यानी के पी अपॉन आर क्यूब आ रहा है। साथ ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके डायरेक्शन इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमेशा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।